अवसर पर हर शहर के युवा समाज सेवी व भूतपूर्व नगर उपाध्यक्ष गोपाल घटी तथा पत्नी वैशाली गोपाल घटी द्वारा शहर की जनता हेतु रक्तदान, पोस्ट कोविड टेस्ट, दमा, अस्थमा, पीएफटी, फेफड़ों की जांच, आंखें, सीना आदि की ही सर्दी खांसी आदि व्याधियों की निःशुल्क जांच उपलब्ध कराकर महात्मा गांधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बड़े उत्साह से मनाई गयी। इस वर्ष भी अक्टूबर के पावन पर्व पर इस भव्य रोग निदान शिविर का सफल आयोजन साहेबराव विरखरे की अध्यक्षता तथा डॉक्टर पूर्णिमा चिंचमलातपुरी की विशेष उपस्थिति तथा पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारी, एडवोकेट श्रीकांत पांडे, डॉक्टर विजय घटे, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पवन जायसवाल आदि मान्यवरों की उपस्थिति में सम्पन्न इस भव्य आयोजन का 555 नागरिकों ने लाभ लिया। वहीं शहर के 81 दानदाताओं ने रक्तदान कर आयोजन की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए डॉक्टर पूर्णिमा चिंचमलातपुरी ने कहा कि सावनेर नगरी मेरे पिता सुनील केदार का गृह कार्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र से मुझे और मेरे परिवार को बहुत लगाव है। यहाँ की जनता ने हमारे परिवार को जो आशीर्वाद दिया है उसका ऋण चुकाना हमारा पहला कर्तव्य है। पिता सुनील केदार फिलहाल राज्य में मंत्री होने से अधिक व्यस्त रहते हैं। हमें भी मुलाकात हुए हफ्तों बीत जाते हैं। सोचा आज सावनेर के इस भव्य आयोजन में पापा से मुलाकात होगी, परंतु व्यस्तता के कारण वे आ न सके। सर्वप्रथम इस आयोजन के आयोजक गोपाल घटी वो वैशाली के लोक विमुख कार्य की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। उनके द्वारा जारी समाज कार्य की पहचान आज जारी इस भव्य आयोजन से लगाई जा सकती है। आप एवं आपके परिवार ऐसे ही समाज कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा हर वर्ष लेते रहेंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त कर कहा कि लोगों को लगता है कि कोरोना चला गया और उन्होंने कोरोना को हल्के में लेना शुरू कर दिया है, जो हमारे एवं परिवार तथा देश के लिए घातक हो सकता है। इसलिए कोरोना में अभी काफी कमी आई है, पर कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है। जब तक हम कोरोना को पूरी तरह से खदेड़ नहीं देते, तब तक किसी भी प्रकार की ढिलाई जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि जान है तो जहान है। इसलिए कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करने की विनती इस अवसर पर की। तो वही इस आयोजन में अन्य उपस्थित वक्ताओं तथा मान्यवरों ने भी अपने विचार रखकर गोपाल घटे व वैशाली घटे के कार्यों की प्रशंसा की। आयोजन का संचालन श्याम घोटे ने तो आभार वैशाली घटे ने माना। इस अवसर पर डॉक्टर विजय घटे, डॉक्टर शशांक वाखेड़े, डॉक्टर विद्या खोबरागड़े, डॉक्टर नितेश लाकड़े, बैजनाथ डोंगरे, डोमा साव सावजी, तेज सिंह सावजी, नगर सेवक सुनील साफीकर, नीलेश पटे, विजय बसवार, बंडू दिवटे, विनोद जैन, मनोज बसवार, प्रकाश बाल पांडे, प्रदीप घटे, चंद्रशेखर कावड़कर, दिलावर शेख, अरुण कड़बे, पीयूष घटे, विनीत पाटिल, सुधीर गोडसार आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। इस अवसर पर डॉक्टर पूर्णिमा के हाथों कोरोना काल में अपनी सेवाएं देने वाले डॉक्टरों को शाल श्रीफल तथा पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। कारण लस घेणं हे नक्कीच फायदे आहे आपल्या। आपण
बीसीएन न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढुंडले की रिपोर्ट।